हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं हिमांशी आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही अनोखा चैप्टर लेके आई हूँ जो क्लास थर्ड में आते ही बच्चों को ज़रूर मिलता है पढ़ने के लिए। तो स्पेशली मैं ये आज जो वीडियो बना रही हूँ ये मेरे छोटे नन्हे मुन्ने एंजल्स थर्ड क्लास के बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बहुत ही क्यूटी पाई होते हैं। सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास में आते हैं और उनको इतनी सारी बुक्स देखने को मिलती हैं, वो बेचारे डर जाते हैं। मगर डरने की कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं हर सब्जेक्ट की कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो धीरे धीरे आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँ। तो आज मैं लाई हूँ साइंस का बर्ड बीक क्लॉज एंड द नेस्ट, ये लेसन लाई हूँ। ये CBSE के NCERT सिलेबस में भी है और ये थर्ड क्लास की हर बुक में मौजूद होता है। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे हर वीडियो पे व्यूज़ 300-400 हो जाते हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, मगर प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बर्ड बीक्स क्लॉज एंड द नेस्ट। सो बेटा, जैसे कि आप अपने आसपास जाते होगे, आप लोग देखते होगे बहुत सारे अलग अलग तरह के बर्ड्स आपने देख रखे होंगे, और अगर आप जू में गए होंगे तो वहाँ भी, तो आपने नोटिस किया होगा जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं, राइट? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ आपने कौन कौन से बर्ड्स देख रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्रो का नाम लोगे, पिजन भी लगभग सभी ने देख रखा होता है, स्पैरो, पैरट, राइट? ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली हैं, जो इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं और हमें हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो आपने इन बर्ड्स के अंदर क्या ऐसी खास बात नोटिस की है जो इन सब में कॉमन है? क्या नोटिस की है? एक तो इनकी बीक होती है ना, और क्या होता है, टू नॉस्ट्रल्स होते हैं, आईज होती हैं, इनके विंग्स होते हैं और इनके लेग्स होते हैं, और बर्ड्स के लेग्स को हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है? जो उसके बाद जो बीक होती है बर्ड की, वो बहुत ही हार्ड और शार्प होती है। सो अब हम आगे बात करते हैं कि हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स उड़ते कहते हैं कैसे हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको अभी उड़ने के लिए बोलूं तो क्या आप उड़ पाओगे? नहीं ना, ये आपको जोक लगेगा। मगर जो बर्ड्स हैं वो बहुत ईजिली फ्लाई कर पाते हैं। हाउ? जो बर्ड्स होते हैं उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। और वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं? एक तो उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम्ड लाइन होती है। स्ट्रीम्ड लाइन का मतलब क्या है? स्मूथ एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। सो स्ट्रीम लाइन का क्या मतलब होगा? स्मूथ एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। और इनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं, लाइट वेट होती हैं और हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं और हवा से भरी हुई होती हैं। और सबसे स्पेशल फीचर होता है इनके पास विंग्स। सो इसी वजह से जो बर्ड्स हैं वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। अब आपने कभी बर्ड को उड़ते हुए देखा है? अगर आपने देखा होगा, जो बर्ड है वो अपने विंग्स को दो तरह से मूव करता है, एक करता है अपस्ट्रोक, एक करता है डाउनस्ट्रोक। तो अपस्ट्रोक का मतलब क्या होगा? जब वो अपने विंग्स को ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अपस्ट्रोक। और जब वो अपने विंग्स को डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ फ्लैप करेगा तो उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रोक। अब एक चीज़ और होती है, जो इसकी विंग्स होती हैं बेटा बर्ड्स की, ये क्या होती हैं? ये अटैच्ड होती हैं उसकी बॉडी के साथ फ्लाइट मसल्स की हेल्प से, ठीक है? और जो ये फ्लाइट मसल्स ही हैं ये हेल्प करते हैं बर्ड्स को मूव करने में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो देखो कितना ईजी था ना। अब आप लोगों को फटाफट, कि कोई भी आपसे पूछे ना कि बर्ड्स कैसे उड़ सकते हैं, तो फटाफट आंसर कर देना कि जो बर्ड्स हैं उनकी बोन्स हॉलो होती हैं, लाइट वेट होती हैं और हवा से भरी हुई होती हैं, और उनके पास विंग्स होते हैं और स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, और इस वजह से बर्ड्स जो हैं वो उड़ पाते हैं। था ना कितना आसान? अब हम आगे बात करते हैं फैदर ऑफ बर्ड्स के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास दो तरह के फैदर्स होते हैं, एक तो होता है डाउन फैदर, एक होता है फ्लाइट फैदर। तो जो डाउन फैदर्स होते हैं वो फैदर्स क्या होते हैं? वो उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। और आपको पता है जो बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी को वार्म इन डाउन फैदर्स की हेल्प से ही करते हैं, और ये फैदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और स्मॉल होते हैं, ठीक है? और जो फ्लाइट फैदर्स होते हैं ये इनकी विंग्स से अटैच होते हैं। देखो फ्लाइट का मतलब क्या होता है? उड़ना।
तो इसी वजह से जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं ये इनके विंग्स से जुड़े हुए होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और इसी वजह से जो बर्ड्स हैं वो क्या कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। आया ना मज़ा जान के कि बर्ड्स के फेदर्स कितने तरह के होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ बर्ड्स के बारे में। तो काइंड ऑफ बर्ड्स, देखो बर्ड्स वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में। तो फ्लाइंग का मतलब क्या होता है, उड़ना। अब आप सोच रहे होगे, अरे मैम फ्लाइंग तो सभी बर्ड्स फ्लाई करते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। सो सबसे पहले अगर हम फ्लाइंग बर्ड्स की बात करें तो अब तो आपको पता है कि बर्ड्स उड़ कैसे सकते हैं, और बर्ड्स उड़ते क्यों हैं, खाने की तलाश में, ठीक है, अपने आप को बैड वेदर से बचाने के लिए। और आपको पता है बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह से बहुत लंबा डिस्टेंस भी कवर करते हैं, अपने आप को कई बार ठंड से बचाने के लिए, कई बार गर्मी से बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रशियन क्रेन क्या करती है, हर साल जब रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, तो वो उड़कर भारत में आ जाती हैं, भारत के गुजरात में, और वहाँ पर वो गर्मियों के मौसम में अपने आप को बचाने के लिए आ जाती हैं, और जैसे ही रशिया में ठंड ख़त्म होती हैं वो वापस अपने देश चली जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स हैं वो अपने आप को हार्श वेदर से बचाने के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो जान के हैरानी हुई ना, तो अब हम बात करते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में। अब जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये उड़ क्यों नहीं सकते, बिकॉज इनके विंग्स बहुत छोटे होते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत भारी होती हैं और सॉलिड होती हैं, और इसी वजह से ये उड़ नहीं पाते। और इनकी जो बॉडी होती है इनके ऊपर बहुत सारे डाउन फेदर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और ज़्यादा हैवी हो जाती है, और इसी वजह से ये बर्ड्स हैं ये उड़ नहीं पाते। जैसे कि कीवी है, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, कैसोवेरी है, ठीक है, ये कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। मगर आपको पता है इनमें से कुछ बर्ड्स बहुत अच्छे फास्ट रनर्स होते हैं और कुछ बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, जैसे कि पेंगुइन। अब आपको एक बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो हमिंग बर्ड है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, और जो ऑस्ट्रिच है वो दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है। उसके बाद जो पेंगुइन है वो बहुत अच्छा गुड स्विमर है, ठीक है, और वो जब पानी में तैरता है ना तो ऐसा लगता है जैसे वो पानी के अंदर उड़ रहा है। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में। एक्वेटिक बर्ड्स को हम वाटर बर्ड्स भी बोलते हैं। ये बर्ड्स या तो पानी के अंदर रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं, और जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो अपना खाना भी पानी से लेते हैं। इनके जो फेदर्स होते हैं वो कभी भी पानी में गलते या सड़ते नहीं, क्योंकि इनके पास एक बहुत स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से इनकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ऑयल्स रिलीज करती हैं। ऑयल ग्लैंड्स मतलब तेल की ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या होता है ऑयल सिक्रीट होता है, और जिसकी वजह से इनकी पंखों के ऊपर पानी है वो टिक नहीं पाता और वो सड़ता नहीं। बर्ड्स जैसे कि हिरन, फ्लैमिंगो, क्रेन, स्वैन, डक, ये कुछ बर्ड्स हैं जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईटिंग हैबिट के बारे में। अब देखो जो बर्ड्स हैं, जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि देखो जो ईटिंग हैबिट होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड द ओमनीवोरस। तो बर्ड्स जो हैं वो अपना ज़्यादातर समय खाना तलाश करने में बिताती हैं, और ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, इंसेक्टिवोरस या ओमनीवोरस। इंसेक्टिवोरस वो बर्ड्स होंगे जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स, और ओमनीवोरस वो बर्ड्स होते हैं जो प्लांट के पार्ट्स भी खा लेते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जो हंट करके खाते हैं, जैसे कि ईगल, हॉक और आउल, इनको हम बर्ड ऑफ प्रे भी बोलते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि पिजन, हमिंग बर्ड, ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, और क्रो और स्पैरो ओमनीवोरस हैं। अब हम बात करते हैं बीक्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। देखो जो बर्ड्स हैं ना उनके अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। तो बीक की हेल्प से बर्ड क्या कर पाता है,
जैसे कि हम अपने माउथ की हेल्प से खाना खा पाते हैं, वैसे ही जो बर्ड्स हैं वो अपनी बीक की हेल्प से फूड ईट कर पाते हैं। और बर्ड्स की बीक को हम बिल भी बोलते हैं। आपको पता है बर्ड्स के हाथ तो होते नहीं, तो इसी वजह से वो अपनी बीक की हेल्प से अपनी बॉडी को क्लीन भी रखते हैं, अपने बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर उन्हें पकड़ना है तो वो अपनी चोंच की हेल्प से पकड़ते हैं। और बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, और इसी वजह से जो बर्ड्स हैं वो खाने को क्या करते हैं, स्वेलो, चू नहीं करते, चबाते नहीं जैसे कि आप चबाते हो, है ना, क्योंकि उनके दांत तो होते ही नहीं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। जो सीड ईटर मतलब सीड खाने वाले बर्ड्स जैसे कि स्पैरो है, पिकॉक है, पिजन है, इनकी शॉर्ट और थिक हार्ड बीक होती है जिसकी वजह से ये सीड्स को इजीली क्रैक कर पाते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि ईगल है, हॉक है, इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। तो ऐसी बीक की वजह से ये बर्ड्स क्या कर पाते हैं, इजीली फ्लैश को टीयर कर पाते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, वुड पैकर, इनकी कैसी बीक होती है, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक, और इस बीक की हेल्प से ये पेड़ के अंदर इजीली छेद कर पाता है और इंसेक्ट्स को ढूंढ पाता है। कुछ बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड, इनकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक, बिकॉज इनको क्या करना होता है, अपनी बीक की हेल्प से फ्लावर में से नेक्टर सक करना होता है। नेक्टर का मतलब क्या होता है, जूस प्रेजेंट या फिर अ स्वीट लिक्विड जो फ्लावर के अंदर होता है, और अपनी चोंच की हेल्प से ये इस फ्लावर के अंदर के स्वीट लिक्विड को सक करते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि स्वैन, डक और गूज, इनके पास कैसी बीक होती है, फ्लैट एंड ब्रॉड बीक, इनकी बीक के अंदर टाइनी होल्स होते हैं इनके साइड में, जिसकी हेल्प से ये इजीली कोई भी स्मॉल प्लांट या एनिमल मडी वाटर से निकाल कर ईजिली छान कर खा पाते हैं। अब हम बात करते हैं फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स के बारे में। देखो जो हमारे पैर हैं उनको हम लेग्स ही बोलते हैं, मगर जो बर्ड्स के फीट होते हैं उनके साथ स्पेशल होता है क्लॉज जुड़े हुए। अब अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के क्लॉज होते हैं। सबसे पहले बात करें कि कुछ बर्ड्स जैसे कि ईगल, आउल, इनके पास टैलेंस होते हैं। टैलेंस कैसे होते हैं, ऐसे बर्ड्स के पास जो प्रेइंग करते हैं मतलब शिकार करके खाते हैं, या ग्रैस्पिंग फीट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, और अपने इन फीट्स की हेल्प से ये इजीली अपने शिकार को पकड़ पाते हैं, जैसे कि रैट को, किसी भी चिक को, किसी भी फिश को, और इजीली उसको दबोच लेते हैं अपने इस टैलेंस की हेल्प से। अब हम बात करेंगे स्क्रैचिंग के बारे में। कुछ बर्ड्स जैसे कि चिकन या फिर पीसेंट, इसमें क्या होता है, ऐसे बर्ड्स के पास स्क्रैचिंग क्लॉज होते हैं। स्क्रैचिंग क्लॉज इसी वजह से ये सॉइल के अंदर इजीली डिग कर पाते हैं अपने लेग्स की हेल्प से, अपने क्लॉज की हेल्प से, और कीड़े मकोड़ों को ढूंढ कर खा पाते हैं। अब हम बात करते हैं वेब्ड फीट के बारे में। जैसे कि डक है, ऐसे बर्ड्स के जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, वेब्ड फीट होते हैं, और इन फीट्स की हेल्प से ये लोग पानी में इजीली पैडल कर पाते हैं और स्विम कर पाते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, रॉबिन, क्रो, पिजन, ऐसे बर्ड्स के कैसे फीट्स होते हैं, पर्चिंग फीट्स, ठीक है, और इसी वजह से ये क्या कर पाते हैं, ब्रांच के ऊपर इजीली अपनी पकड़ बना पाते हैं और उसको पूरा दिन आराम से बैठकर अपना दिन काट सकते हैं। इवन ये बैठे बैठे ही सोते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच के बारे में। अब बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच, इनके अगर आप टोज देखो, इनके 3 टोज होते हैं रेदर देन द 4 टोज, और इसी वजह से ये लोग बहुत फास्ट रन कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि पैरट या वुड पैकर, इनके क्लाइंबिंग फीट होते हैं और इसी वजह से ये लोग इजीली पेड़ पर फटाफट क्लाइंब कर देते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि क्रेन, इनके वेडिंग फीट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो टोज होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं जिसकी वजह से ये पानी के अंदर इजीली वॉक कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में। देखो जैसे कि आपको भी घर की ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो लिविंग इन अ हाउस, तो आपको घर की ज़रूरत क्यों है, अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्श वेदर से बचने के लिए। तो ऐसे ही
जो बर्ड्स हैं वो भी अपने नेस्ट बनाते हैं। जो बर्ड्स हैं अपने नेस्ट को अंडे देने के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। वो ट्विग्स, लीव्स, वूल, कॉटन, मड, ग्रास, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो नेस्ट के अंदर सेफ रह पाएं। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग नेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कैविटी नेस्ट के बारे में। जो कैविटी नेस्ट है वो ओल्ड ट्री ट्रंक या डेड ट्रीज के अंदर बनाते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स जैसे कि वुड पिकर है, पैरट है, ब्लू बर्ड है, वो कैविटी नेस्ट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो कैविटी नेस्ट है उसकी एंट्री तो बहुत छोटी होती है, मगर अंदर से वो बहुत बड़ा होता है और ये बहुत सेफ भी होता है, इसीलिए ये इसमें अपने अंडे देते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि हम बात करें बुलबुल के बारे में या स्पैरो के बारे में, वो कैसा नेस्ट बनाते हैं, कप नेस्ट, ठीक है। अब कप नाम है तो इसका शेप भी कप की तरह ही होता है, और ये ग्रास की हेल्प से, लेकिन्स की हेल्प से और मोस मतलब काई की हेल्प से अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म नेस्ट के बारे में। बर्ड्स जैसे कि क्रो, ईगल, वल्चर, ये बर्ड्स अपना प्लेटफॉर्म नेस्ट बनाते हैं। ये नेस्ट कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाते हैं, या तो ट्री ट्रॉप्स के ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पहाड़ की चट्टान के ऊपर। उसके बाद कुछ बर्ड्स जैसे कि वीवर बर्ड है, ये इसका बर्ड जो ये जो बर्ड है बेटा, इसका जो नेस्ट है वो सबसे सुंदर नेस्ट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल नेस्ट होता है वीवर बर्ड का। इस ये एंटर करता है अपने नेस्ट में इस टनल में से, ठीक है, जो लोअर एंड की तरफ ओपन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेलर बर्ड के बारे में। टेलर बर्ड की जो चोंच होती है वो बहुत पतली होती है, तो इसलिए वो उसको सुई की तरह हेल्प करता है और पत्तों को आपस में सिलकर अपना नेस्ट बनाता है। ये क्या करता है, कॉटन भी यूज़ करता है, हेयर्स भी यूज़ करता है, इवन स्पाइडर वेब को भी यूज़ करता है, और अगर इसको वूल मिल जाए तो उसको भी ये यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं केयरिंग ऑफ द यंग वंस। अब देखो, अब हमने बर्ड्स के बारे में सब कुछ जान लिया, मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट के अंदर अंडे देते हैं, और जो पेरेंट बर्ड है वो उसके ऊपर सिट बैठता है और अपने अंडों को सेकता है, और उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और जब बेबी पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो उस अंडे में से क्रैक करके बाहर निकलता है, और जब वो बेबी बाहर आता है तो वो फेदरलेस होता है और बहुत ज़्यादा वीक होता है, और उसकी आंखें भी क्लोज होती हैं। तो इसी वजह से जो पेरेंट बर्ड है वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं जब तक वो ग्रो कर नहीं करते और अपने आप कैपेबल नहीं होते खाना तलाश करने में। मगर एक बर्ड है कोयल, जिसको कुकू बोलते हैं, वो अपने नेस्ट में अंडे नहीं देती, वो क्रो के नेस्ट में अंडे देती है। तो अब आप बर्ड्स के बारे में सब कुछ जान चुके हो, ठीक है। जो यंग बर्ड्स होते हैं उनके पास सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं होती, तो इसीलिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बर्ड्स के बारे में हर चीज़ पता चल गई है, तो अब आप अपने मम्मी पापा को आसानी से सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट को दूर करूं। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करती रहूंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ना ही सब्सक्राइब करना। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बाय।